मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज है थर्सडे, तो अभी मैं कुक करने वाली हूँ इवनिंग स्नैक्स। और आज घर पर कोई आने वाला है तो मैंने सोचा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना एक अच्छा सा स्नैक्स रेडी कर लिया जाए। मैं बनाने वाली हूँ आज स्नैक्स में पिन व्हील समोसा। वैसे तो समोसे मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, आप लेकर आओ और खा लो, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी खुद अपने आप बनाओ तो और भी मजा आता है। ज्यादातर तो आप लोग देखते ही हो मेरे वीडियोस में कि मैं इवनिंग स्नैक्स जो होते हैं वो घर पर ही रेडी करती हूँ ना। और बहुत ही रेयर होता है कि मैं इवनिंग स्नैक्स बाहर से मंगाकर खाती हूँ, क्योंकि डेली लाइफ में अगर आप बाहर से ये सब चीजें मंगाकर खाओगे तो कुछ हद तक वो अनहेल्दी हो जाता है। कभी कभार तो चलता है लेकिन डेली आप ये नहीं कर सकते। और घर पे बनाया हुआ जो भी स्नैक्स होता है या खाना होता है उसकी प्योरिटी आपको पता होती है कि जो भी इंग्रीडियंट्स आपने यूज किए हैं वो घर के हैं, कैसे हैं और वो कितने प्योर हैं। तो चलिए आज कुछ घर में ही रेडी कर लेते हैं। तो पिनव्हील समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदा लगा लेती हूँ, क्योंकि मैदा लगाकर अगर पहले से रेडी कर लोगे तो फिर जल्दी जल्दी हो सकता है। और मैदा को भी थोड़ी देर छोड़ना है। तो ये मेरा मेजरमेंट वाला कप है जिसे मैं अक्सर अपने वीडियो में दिखाती हूँ और यूज करती हूँ उसको मैं। तो ये मैंने 2 कप भर के मैदा ले लेनी है। तो अभी मैं इसमें कुछ ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और थोड़ा सा अजवाइन ऐड करूंगी मैं इसके अंदर। तो अजवाइन को दोनों पाम्स के बीच में हल्का सा रब कर लें जिससे कि अच्छी खुशबू आए इसकी। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करना है। और अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें लगभग 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करना है। ऑयल को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस तरीके से लगना चाहिए जब आप ऑयल डालें तो मैदा, ऐसे ज्वाइंट हो जानी चाहिए थोड़ी थोड़ी। और अब इसे पानी की हेल्प से इसे आटे को लगा लेंगे। तो जब कभी भी कोई भी डो लगा रहे हैं तो हमेशा पानी जो है धीरे धीरे कर ही ऐड करें। तो अभी इस पे थोड़ा सा ऑयल डालकर ऊपर से मैं इस तरीके से मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दूंगी। अगर मैं समोसे की बात कर रही हूँ तो कोई भी समोसा बिना आलूओं के तो अधूरा है ना। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आलू बॉईल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6-7 आलू ले लिए जिनको मैं बॉईल कर रही हूँ। बाय द वे, जो मैंने आटा लगाया था उस आटे को लगाने में मुझे 1/2 कप से भी कम पानी लगा था। 2 कप मैंने मैदा लिया और 1/2 कप से भी कम पानी में वो लग गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन्हें बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इन्हें भी बॉईल होने में 2 या 3 विसल तो लेनी पड़ेगी। और ये आलू ऑलरेडी मैंने वॉश कर लिए हैं। तो अभी क्या है कि मैं ना धनिया बीन रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे धनिया की चटनी भी बनानी है, क्योंकि समोसे के साथ चटनी ना हो तो कहाँ मजा आता है। तो ये जो स्नैक्स मैं आज रेडी कर रही हूँ ना, ये काफी लाइट स्नैक्स है और जल्दी से बन भी जाता है। इवनिंग टाइम पे कोई अगर आपके घर पे आ रहा है तो आप इसे तुरंत बना भी सकते हो, या फिर अपने लिए खुद के लिए बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, बच्चों को काफी अच्छा लगेगा। लाइट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आप समोसा खाते हो तो एक समोसे में बहुत सारे आलू स्टम होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, जब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें बहुत ही कम आलूओं का यूज होता है और कहते हैं लाइट काइंड ऑफ स्नैक्स है, बहुत हैवी नहीं है। जैसे समोसा खाकर पूरा पेट भर जाता है ऐसा फील नहीं होगा आपको इसको खाने के बाद। तो आप लोगों को तो पता है मुझे कुकिंग करना कितना अच्छा लगता है। मैं डे टू डे यूज में ही बहुत सारी चीजें बनाती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज जब कोई आ रहा है तो मैंने सोचा बाजार से मंगाने की बजाय क्यों ना खुद का बनाया जाए। एक तो बनाने में अच्छा भी लगेगा और जब कोई खाएगा और उसको पसंद आया तो वो अप्रिशिएट करेगा, तो उसके बाद तो और अच्छा लगता है ना। तो मैं पहले धो लेती हूँ। मोटा मोटा ही काट रही हूँ, बारीक काटने की जरूरत नहीं है। वैसे लाने वाली है, इसमें मैं डालने वाली हूँ इमली ये डालूंगी मैं इसके अंदर। तो
तो हाँ सीट लेस ही है, बस एक ही सीट निकला इसमें। और हींग डालूंगी इसके अंदर और काला नमक डालूंगी इसके अंदर और सफेद नमक भी डालूंगी इसके अंदर और लहसुन डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसमें इमली डाली है तो ना तो मैं इसमें टमाटर डालने वाली हूँ ना ही अमचूर। और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और ऐड करूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको मिक्सी में चला लेती हूँ। हाँ हरी मिर्च तो रह गई, हरी मिर्च ऐड करूंगी, 2-3 हरी मिर्च भी ऐड करूंगी। अभी हरी मिर्च भी मैं निकाल लाई हूँ तो इसमें मैं 3 हरी मिर्च के करीब डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी, मैं वो भी डालती हूँ अदरक भी, मुझे अच्छा लगता है इसमें टेस्ट चटनी में। और थोड़ा सा अब इसमें जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। तो जब तक मैं चटनी बनाऊंगी ना तब तक मेरा ये आलू भी उबल ही जाएंगे। ये अच्छी चीज है कि दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। तो बस अब इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। I lost everything but it's not my fault. कशिश की बुआ आई है। हेलो मिनी दीदी। हेलो कौन सा देख रहा है? ये देखो GTA 5 देख रहा है ये। अभी इसकी उम्र है GTA 5 की, 8 इयर्स का है और ये GTA 5 देखेगा। बताइए अभी आजकल देखिए देखिए कैसे करता है आजकल। मतलब मुझे ये यकीन ये लगता है मैं 10 मिनट ले जाऊं और पता नहीं क्या यूट्यूब में, आपको भी पता है एक चीज खोलो कुछ अलग 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 आ जाता है। लेकिन आप परेशान मत हो मेरी दीदी, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बता देती हूँ जिसको यूज करने के बाद ना आपको टेंशन फ्री हो जाएगी। भी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, आपको ज्यादा से वॉच करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से इसको वॉच कर सकते हो। तो फिर बताओ मुझे। चलो फिर मैं बताती हूँ आपको। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल ऐप के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हम पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आजकल स्मार्टफोन तो सभी के पास होते हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। तो स्मार्टफोन के जहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं वहाँ पर कुछ नुकसान भी हैं। फायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप पे फेस कॉलिंग कर सकते हो, बिजली के बिल जमा कर सकते हो और ना जाने आप कितनी अनगिनत यूजफुल इंटरनेट पर वीडियोस देख सकते हो, जैसे कि आप लोग मेरी देखते हो। तो ये सारे तो फायदे रहे, लेकिन कुछ नुकसान भी है। जब स्मार्टफोन हमारे आसपास रहता है तो कभी कभी हम एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम भी कर लेते हैं और जब हमारे हाथों में फ़ोन रहता है तो बच्चे सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं फ़ोन को देखकर और वो दौड़ते हुए आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मम्मा मम्मा फ़ोन दो मुझे कुछ गेम खेलना है। तो हम भी दे देते हैं, चलो थोड़ी देर ही अपना टाइम पास कर लेंगे गेम खेलने के लिए, क्योंकि बाहर की एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं और घर की एक्टिविटीज़ बच्चों की बढ़ती जा रही है। तो रीवा मतलब छोटे बच्चों के क्यों, बड़े बच्चों के पास भी आजकल फोन रहने लगे हैं, उनकी भी हाँ। बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जैसे कि ट्यूशंस वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा दूर होने लगे हैं और उसके अलावा लेट भी होते हैं आजकल बच्चे, कम्पिटिटिव क्लासेस कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं। तो माँ बाप मतलब पेरेंट्स को तो हमेशा मतलब चिंता लगी रहती है अगर ज़्यादा लेट हो जाए कि भाई बच्चे कहाँ हैं। तो एटलीस्ट स्मार्टफोन से या फोन से ही कह लो एटलीस्ट कॉल करके आप पता तो कर सकते हैं। ये भी होता है कि जब जो टीनेजर्स होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं जब आप उनके हाथ में फोन होता है तो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हमको भी ये डर लगा रहता है कि यूजफुल एप्स और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए नहीं है इस एज ग्रुप में वो ना मतलब उन तक पहुंच जाए। तो आज मैं जिस ऐप के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ उसका नाम है फैमी सेफ। इसके थ्रू आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो कितनी देर स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, कौन से गेम खेल रहे हैं
और कितनी देर उनको आपको फोन देना है उसकी भी टाइम लिमिट आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है ये एक बहुत ही फेमस कंपनी है वंडर शेयर, उन लोगों की तरफ से ऐप है। अब ये वंडर शेयर जो है बेसिकली रीमा अपने यूट्यूब की वीडियोस एडिट करने में यूज करती है, तो, इसका नाम। हाँ, तो कंपनी जो है काफी डिपेंडेबल है, काफी टाइम से इस मार्केट में है। तो रीमा पता है इसके काफी सारे और फायदे भी हैं, जैसे कि आप को हमेशा ये चिंता रहती है बच्चे ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, स्क्रीन टाइम कितना है, तो आप वो भी ट्रैक कर सकते हो इसके थ्रू। उसके अलावा लोकेशन ट्रैकर भी है इसके अंदर कि बच्चा कहाँ पे है, अगर बाहर आपने किसी बच्चे को अपने बच्चे को भेजा है जैसे ही थोड़ा मार्केट के लिए गया तो बच्चा कहाँ है। उसके अलावा आप इसके ऊपर अनवांटेड जो एप्स होती हैं वो बच्चे इंस्टॉल ना करें अपने फोन पे, तो ऐप फिल्टरिंग वगैरह वो सब भी आप कर सकते हो, तो उनके लिए जो ऐप नहीं है वो बेसिकली वो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा जो जैसे वेब कंटेंट फिल्टरिंग होता है बच्चे इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं क्या नहीं है, अगर वो कंटेंट उनके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, सपोज आप एज लिमिटेशन लगाना चाहते हो उसके ऊपर, तो आप वो भी इसके थ्रू कर सकते हो। मतलब दैट इज द मोस्ट आई थिंक द एक्साइटिंग फीचर ऑफ दिस ऐप। तो अब बात आती है इस ऐप को हमें यूज कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आपको जाकर एक इनकी वेबसाइट पे जाकर अपना मेंबरशिप अकाउंट क्रिएट करना है। मेंबरशिप अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, एक बार स्टेप में आप कर लोगे। हाँ। और इनके वहाँ पर बहुत सारे प्लान्स हैं, जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग प्लान हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में मेरा 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड भी लगा सकते हैं। तो एक बार जब आपका मेंबरशिप फॉर्म भर जाएगा तब उसके बाद आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप आप अपने बच्चे के और खुद के दोनों के मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे इस ऐप को तो ये आपसे कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करवाएगा, कुछ नोटिफिकेशन कुछ इन्फॉर्मेशन भी भरवाएगा, और उसके अलावा कुछ परमिशन भी मांगेगा जो आपको दे देनी है जिससे कि ये ऐप अच्छी तरीके से काम कर सके। इसके बाद आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज को अपने ही फोन से बिना उसके उनके फोन को एक्सेस करे हुए आप अपने ही फोन से ट्रैक कर सकते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम कितना था, उनकी लोकेशन क्या है। सो बेसिकली बहुत ही इजी टू यूज ऐप है, आई रियली लाइक इट। और पता है आपको इस ऐप की खास बात कि आपके बच्चे चाहकर भी इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो जैसे ही वो उसे अनइंस्टॉल करने की सोचेंगे तभी ये उनसे एक पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड का एक्सेस सिर्फ आपके पास है, तो भूलकर भी उन्हें मत दीजिएगा। तो गाइस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी अपडेटेड तो रहना ही पड़ता है। सही बात है। तो आई थिंक उनके लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे पाते और ये नहीं मालूम कर पाते हैं कि बच्चे आखिरकार फोन में लग के कर क्या रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पेरेंटल कंट्रोल ऐप है। आई वुड सजेस्ट यू शुड इंस्टॉल इट, और इसका मेंबरशिप जो भी प्लान है आपके बजट के हिसाब से सिलेक्ट करके आप इसे इंस्टॉल करिए, फिर आप टेंशन फ्री होके अपने बच्चों को ये फोन दे सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी बिकॉज आप उनकी सारी एक्टिविटीज आप ट्रैक कर रहे हो। तो यही थी इस ऐप के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर करी। तो चलिए अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, और आज प्रशांत को मैंने एज अ गेस्ट बुलाया था क्योंकि पेरेंट्स में तो यार फादर भी आते हैं ना, तो मैं अकेले क्यों बताऊं, इनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, भागीदार। चलिए फिर। तो चलिए गाइस इन आलुओं को भी अच्छे से भून लेते हैं। इन आलुओं को भूनने के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच के करीब ले लिया है ऑयल, और इसमें मैं डालने वाली हूँ जीरा। जीरा डालने के बाद मैं अब इसमें आलू डाल दूंगी, और अब मैं इसमें ऐसे मसाले डालूंगी जो कि आप हमेशा समोसे के आलू वाले मसाले में डालते होंगे, जैसे कि धनिया पाउडर। 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपके पास खड़ा धनिया है आप वो भी डालकर ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसे बहुत ही बारीक कूट लेना। और इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, अमचूर डाला है, गरम मसाला डाला है, और इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है, साथ में मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया है। तो ये सारे ही मसाले मैंने पहले ऐड कर दिए हैं, और इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ, एटलीस्ट समझ लीजिए 15 मिनट के करीब, अच्छे से, बहुत अच्छे से। जितना अच्छा फ्राई करोगे ना आलू की स्टफिंग को उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो बहुत देर तक मैंने इसको फ्राई किया है,
तो जितना अच्छा आप इसे फ्राई करोगे उतना ही अच्छा इसका कलर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और दो हरी मिर्च मैंने काट कर रखी हुई थी, वो भी मैंने इसी के साथ ऐड कर दिए हैं। आज जो मसाला बनाया है ना, ये मिनी दीदी ने बनाया है। मिनी दीदी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बहुत अच्छी हैं कुकिंग में। उनकी कुछ ऐसी डिशेज हैं जिसे आपने खा लिया तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, जिसमें से है छोले भटूरे और नॉनवेज। तो वाओ, मतलब मैं तो नहीं खाती हूँ, आप कहोगे क्यों वाओ बोल रही हो। वाओ तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रशांत के और कशिश के मैंने एक्सप्रेशन देखे खाने के बाद। तो बहुत अच्छा चिकन बनाती हैं, तो कभी मौका मिला तो मिनी दीदी शेयर करेंगी आप लोगों के साथ। कुछ बोलना चाहते हो आप? आप पाव भाजी भी तो बहुत अच्छा बनाती हो। मेरी पाव भाजी तो आप ही से सीखी है, वरना मुझे पाव भाजी तो आती ही नहीं थी। चलो अच्छी बात। हमें याद है कि जब हम छोटे थे और घर पे आते थे आपके यहाँ, जब दिल्ली में थे तो हमें पाव भाजी खूब खाने को मिलती थी। पहले तो कितने कितने दिन रुक जाते थे जब शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद तो अब ऐसा हो गया बस मिलने ही आ जाओ, वही बहुत है। जिम्मेदारियां हो जाती है ना थोड़ी सी, सब हर फैमिली के अलग अलग हो रहे हैं। ये तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, फिर पढ़ाई एग्जाम्स सबके अपने अपने रहता है। थोड़ा सा बस यही है कि थोड़ा बहुत मिल ले तो वो अच्छा लगता है फैमिली के साथ। ये तो है। तो यहाँ पर अपना डो भी चेक कर लेते हैं। ये डो भी अच्छे से अब तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा सा और मसल कर अच्छा सा रेडी कर लेना है। और इसके बाद मैं इस डो में से दो पार्ट डिवाइड करूँगी, यानी कि मैं दो लोई बनाने वाली हूँ इसमें से। और फिर लोई को कहते अच्छे से बेल लीजिए, खूब अच्छा सा पतला पतला, और जितना बड़ा आप बेल सकते हो उतना बड़ा आप बेल लीजिए इसको। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सी चपाती बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने आलू फ्राई करे थे उनको मैं अच्छे से फैला दूंगी, बिल्कुल किनारे तक फैलाना है। और इसके बाद आपको रोल ऑन करना है इसे, रोल ऑन अच्छे से रोल ऑन करके इस तरीके से, जैसे मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आप इसे रोल ऑन कर लीजिए। और फिर अच्छे से एक बार ऐसे चला दीजिए हाथों से, और उसके बाद आप इसे बीच में से कट कर लीजिए। तो दो पार्ट में बीच में से मैंने कट कर लिया है। तो स्टफिंग देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लग रही है अंदर की तरफ। और इसके बाद इसको पतले पतले पीसेस में कट कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसके बाद हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच मैदा। इसमें मैंने नमक मिला लिया है और इसमें अब थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना है, और अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लेना है, क्योंकि जो हम स्पिन व्हील समोसा बनाने वाले हैं वो इसमें डिप करके एंड देन हम फ्राई करेंगे। मिनी आज भाभी के कुकिंग में हेल्प कर रही है? नहीं, मैंने हेल्प पर कुछ नहीं करी, मैंने सिर्फ कढ़ाई में चम्मच लगाया दिखाने के लिए कि मैंने बनाया। ऐसा नहीं है, कढ़ाई में चम्मच नहीं लगाया, जैसे और टिपिकल लंदे करती है कढ़ाई में चम्मच लगा दिया। देखो बम्बे बनाया है, देखो टिपिकल लंदे।
भी लगी हुई है मेरे साथ। हाँ भाई बहुत इजी है। हाँ? और मैं तो सोच रही हूँ क्यों ये किटी में बनाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है किटी स्पेशल झटपट क्विक सी बनने वाली और बहुत इजी। ये तो है किटी में आप लोगों को ऐसे स्नैक्स चाहिए होते हैं। हाँ, वैरायटी चाहिए होती है। आप समोसा किसी के सामने रख दो ना किटी में तो वो हैवी लगता है, बट ये ना बहुत मुझे अच्छा लगा है। हाँ, मैं अपनी किटी में रखूंगी। चलो अच्छी बात है। तो आपको बुलाऊंगी, आप ही बनाओगी मेरी किटी में। तो मिनी दीदी ने किटी स्पेशल स्नैक्स का नाम दे दिया है। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों की किटी चल रही है तो आप लोग भी ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स को खिलाना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके फ्रेंड्स को कैसा लगा। भाखड़ा बड़ी तो खाते हो लेकिन उसमें मसाले होते हैं। ये है आलू वाली, तो ये और फ्रेश फ्रेश है। ये समोसा भाखड़ा बड़ी। मैं समोसा भाखड़ा बड़ी, वाह इन्वेंटेड। हम इसे अभी तक पिंडवील समोसा बोल रहे थे, मिनी दीदी ने अच्छा नाम दिया है इसको, समोसा भाखड़ा बड़ी। और क्या, इंडियन चीज है तो इंडियन ही नाम रखो उसका। यस, भाई भी आ गए बहन को काम करते हुए देखकर। बन गया क्या, एक लॉट बन गया? हाँ बन गया बस। वाह, किसी भी अच्छी चीज में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है यार। नहीं बट फिर भी उससे अच्छा है। रुद्रांश कैसा लगा आपको बेटा? रुद्रांश हाँ, टेस्ट नहीं किया उसने, आपने टेस्ट किया है। बहुत यम बना। और प्रशांत आपको कैसा लगा? ट्राई करने वाली चीज है बहुत, आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा। मैं भी घर में जाकर ट्राई करूंगी एक दो दिन। बहुत क्रंची है, स्पाइसी लग रहा है। स्पाइसी है चटनी, स्पाइसी है बेटा, आप देख के खाना, फिर सॉस ले लो आप चाहो तो। का डिनर हो चुका है और अभी किचन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो मैं किचन को सबसे पहले समेट लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। मिनी दीदी अपने घर चली गई है तो थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, पहले किचन जरा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो किचन वगैरह सब पूरी तरीके से क्लीन कर दिया मैंने और बस। तो आजकल मेरे को नया शौक चढ़ा है ये लिपस्टिक लगाने का डार्क कलर की, वरना तो मैं तो वही अपनी फेवरेट न्यूट कलर की लिपस्टिक लगा कर रखती थी हमेशा, मेवलिन की टच ऑफ स्पाइस। लेकिन आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कलरफुल लिपस्टिक्स लगा रही हूँ, मतलब कलरफुल तो होती है खैर लिपस्टिक्स, मतलब कुछ डार्क शेड्स में। आप बताना कैसी लग रही हैं लिपस्टिक। तो ये छुटा लेती हूँ और काजल जो है जो मैं हमेशा लगाना पसंद करती हूँ वो रिमूव कर लेती हूँ एंड फेस वॉश करके फिर मैं सोने जा रही हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही था और बताना मेरे को आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी वो कैसी लगी आपको, कितनी फ़ायदेमंद लगी। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मैं मिलूँगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइज, लव यू।